खबर उत्तराखंड के लाल कुआं से, जहां सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन 69वें दिन भी जारी रहा। वहीं भूख हड़ताल के 8वें दिन बैठे श्रमिक परमल कुमार के स्वास्थ्य में गिरावट को देखते हुए धरना स्थल पर प्रशासन की टीम ने पहुंचकर आंदोलनकारी परमल कुमार को जबरन उठाया। इस दौरान अनशनकारियों की नायब तहसीलदार राजीव कुमार वर्मा और कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने जबरन भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी विमल कुमार को उठा लिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस के आगे लेटकर सेंचुरी मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक आंदोलनकारियों को एम्बुलेंस के आगे से हटाया। वहीं धरना प्रदर्शन में विमल कुमार को उठाए जाने के बाद आंदोलनकारी श्रमिक पुनीत जोशी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लाल कुआं से मुन्न अंसारी की रिपोर्ट। आपका धन्यवाद। आप हमारी आवाज बनके जो इन के कानों तक हमारी आवाज को पहुंचा रहे हो, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी कार्य प्रणाली से हम बहुत खुश हैं। हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थी, हमने इस राज्य को मांगा और इस धरने के बाद हमें पता चला कई सारी प्रणालियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पर आज हमारी आवाज़ को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारी आवाज़